नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे और मैं मनीष कुमार। बोचहा में फिर से विधानसभा चुनाव का आगमन हो चुका है, यानी चुनावी गर्माहट दर दर फिर से बढ़ते जा रही है। और इसी बीच हम आए हैं फिर से पंचनामा करने के लिए, विधानसभा जो चुनाव है। चलिए आपको बताते चले कि अभी हमारे साथ अभी हम जिस चौक पे मौजूद है, ये कौन सा चौक है, अभी भूसाही, अभी हम लोग भूसाही चौक पे मौजूद है और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि बीचे 5 वर्षों की जो कार्य अवधि थी या जो भी उससे पहले क्या क्या विकास हुआ है, सीधा बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा, हमारे साथ बहुत लोग मौजूद है। अच्छा, आप लोग बताइएगा क्या मतलब आपके जो 5 साल में क्या क्या हुआ है विकास? कुछ भी नहीं है, हुआ है कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। नेता लोग आते हैं, सारी बात अपना अपने दुख सुनाते हैं और जनता का दुख कुछ नहीं समझते हैं। और मतलब क्या लगता है इस बार कौन कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है? मेरी बात तो अनेकों कैंडिडेट आने वाला है, मगर फिर भी देखिए नया चेहरा के हम लोग लाने के लिए सोच रहे हैं, गीता देवी को। गीता देवी, हाँ, मतलब नाम ये गीता देवी फिर भी है। चलिए, तो अच्छा आप बताइए क्या लगता है, मतलब क्या क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ विकास यहाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब इससे पहले जो यहाँ पे कौन कौन से विधायक थे? अमर पासवान थे, मैंने मुसाफिर पासवान। मतलब उनका कार्य अवधि में कुछ ऐसा कार्य नहीं, कुछ नहीं कार्य हुआ है अभी। और अभी क्या लगता है जो आएंगे आगे कैंडिडेट क्या क्या कार्य करेंगे? कार्य करेंगे, आएंगे तो कार्य करवे करेंगे। मतलब फिर भी आप लोग क्या लगता है, बताओ क्या क्या विचार आप लोग सोचे या ना, कोई कार्य छूट गया हो? देखिए, सबसे पहली बात कि मुसाफिर पासवान तो जीत करके यहाँ से गए, कभी वो लौट करके चेहरा दिखाने आए ही नहीं। इलेक्शन से पहले आए, उसके बाद वो दिखाई दिए ही नहीं उनका चेहरा। अब अमर पासवान जी है तो अमर पासवान जी भी वैसा ही करेंगे जो मुसाफिर पासवान जी के, क्योंकि औलाद उन्हीं के हैं। और रह गया इस दफ़ा अब नया चेहरा आएगा गीता देवी, उम्मीद है जो गीता देवी को ही जिताया जाएगा और कुछ विकास वो करेंगे, ये अनुमान है। हाँ, ये अनुमान है कि वो विकास करेंगे। और ज़्यादातर आपको बताते चले कि यहाँ पे जो भी लोग थे यहाँ पे। और अच्छा सर, आप बताइएगा जैसे कि मतलब यहाँ पे कोई ऐसा मतलब कोई कार्य अभी बच गया है क्या, मतलब आप लोग के नज़र में जो नहीं हुआ हो? बहुत सारा काम हुआ है, रोड सब गड़बड़ है, रोड पूरा गड़बड़ हो गया हुआ है, कुछ नहीं बना है। जा करके रोड है ही नहीं गांव में जाने का, जहां तक के 500 घर का बस्ती है, उस घर उस गांव में घुसने के लिए आगे जाकर के यहां से आधी किलोमीटर आगे जाकर के वहां से रास्ता ही नहीं है। दोनों तरफ रास्ता, बीच में रास्ता ही नहीं है, रास्ता नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। जब ध्यान नहीं है उसमें, कोई किसी नेता का ध्यान नहीं है कि हाँ क्या करना है, नहीं करना। हाँ करेंगे, बस इतना कर दो, उसके बाद फिर चेहरा ही नहीं दिखाई देता तो करेगा क्या अगला? मतलब कहा जाए तो चेहरा साफ तौर पे सही से कोई भी नेता लोग का आता है, मतलब आना है कुछ अपना झूठा आश्वासन, दुख सुनाते हैं, जनता का दुख सुनते हैं नहीं, मतलब सब लोग अपना। अच्छा बाबा, आप आ जाइएगा थोड़ा, क्या मतलब क्या लगता है आप लोगों को जो चुनावी जो माहौल है? चुनाव लगता है क्या, यहाँ तो सब अपना अपना नेता सब पेट भरने के काबिल है, गरीब का कोई सुनता नहीं है। जो चाहिए गरीब उनसे खाना नहीं मांग रहा है, पानी नहीं, गांव का विकास मांग रहा है, लेकिन वो भी कोई आता नहीं है देने के, विकास में भी नहीं लोग देने आ रहे, कुछ नहीं। अच्छा तो वोट तो आप ही लोग देते हैं फिर, कैंडिडेट तो आप लोग ही खाने का, क्या लगता है? क्या लगता है, देखिए फिर नया खड़ा होगा हम की, और हाँ उसको बाप वैसे किया बेटा भी वही करेगा, उसको तो मुश्किल है देना। मतलब कहा जाए तो जो परिवर्तन, मतलब जिस तरीके से उनका जो शासन चल रहा था, परिवर्तन बहुत ही बड़ी जरूरी है लोगों, बहुत जरूरी है परिवर्तन, जरूरी है। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए गांव का विकास। महंगाई दौर पे आप लोग का क्या कहना है? महंगाई तो आकाश छू लिया हुआ है, आकाश इतना तो कभी था ही नहीं महंगाई, जितना महंगाई हम की है। ये जो ये हुआ है लॉकडाउन हुआ है, जब से महंगाई दिन पर दिन का कम होगा क्या कि बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है जी, बढ़ते ही जा रहा है। अभी लॉकडाउन जब से हुआ उस समय से लगातार महंगाई बढ़ते ही जा रहा है, मतलब समस्या कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। देखिए महंगाई की जहाँ तक बात है तो महंगाई इस तरीका से बढ़ रहा है कि कुछ दिनों में अगर ऐसा स्थिति रह गया तो लोग वहाँ कटोरा लेकर अगर रोड पे भीख मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग के पास रहेगा नहीं भीख देने के लिए, भिखारी को देगा क्या? ये स्थिति हो जाएगा हर क्षेत्र का, ऐसा महंगाई है कि बड़ा बड़ा जो है अपना सब इकट्ठा करके विदेश में जाके जमा कर रहा है, सभी कर रहा है, तो यहाँ तो सब नेता से चोर निकल गया, चोर निकल गए सब, हकीकत चोर निकल गया कि जो कि पब्लिक का कुछ सुनता ही नहीं, जो पब्लिक के लिए आया अगर रुपया भराया तो 12 आना उधरे खत्म है, 4 आना में कोई को दिया कोई को नहीं दिया, मतलब
समस्या कहा जाए तो बहुत ही गंभीर है, बहुत गंभीर है। और इधर सड़क की हम लोग बात करें, सड़क की व्यवस्था तो थोड़ा सा व्यवस्था है, जो 500 घर का बस्ती है वहाँ पर बीच में जो है 5 साल में रहे मुसाफिर पासवान, कहाँ कुछ किए कि हाँ इसका निदान हम कर दे, वहाँ पर वो टूटा का टूटा ही है और वहाँ रास्ता कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, आदमी को पैदल आना जाना भारी पड़ जाता है। मतलब सड़क व्यवस्था सही से नहीं है, और आवास योजना के तहत सभी लोग का घर गया तो मिला होगा, मतलब ये तो कुछ किया ही नहीं, इतना दिन में कुछ नहीं यहाँ किया, मतलब विधायक जी कुछ नहीं किया, बाकी लोग कर रहे हैं लोग यहाँ के मुख्य, क्योंकि विधायक के हाथ में तो फंड ये करते हैं, लेकिन मुखिया जी लोग जी का उतना फंड नहीं है कि मुखिया जी वो कर पाएगा। घर तो मिलता है, मिला है आवास तो यहाँ मिला है, हाँ घर मिला है। नल जल का क्या स्थिति है यहाँ पे? नल जल तो अभी चालू ही नहीं हुआ है, अभी चालू नहीं हुआ है। नल जल का 2 साल से अभी तक तो उसका काम ही हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, इतना काम स्लो हो रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, जितना फास्ट काम होना चाहिए उतना ही स्लो काम हो रहा है। बड़ा यहाँ पे जो अभी है नल जल का लेके, मतलब जहाँ हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हर घर नल योजना जो पहुँचाया जा रहा है, मतलब नल जल का यहाँ पे काम ही नहीं हुआ है 2 साल में। काम हुआ है यानी ढीला से हो रहा है, टंकी बन रहा है, कहीं पाइप दे दिया, 2 से 2.5 साल में अब ढलाई उसका हुआ है। अब ये सोचे कि वो 5 साल तो ऐसे ही पूरा कर लेगा, 2.5 साल लग गया चालू करते करते, 3 साल का लगा बचेगा, 2 साल में क्या करेगा पता लगा, 2 साल में ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर देख करके फिर जैसे का तैसे रहेगा पड़ा हुआ। 5 साल के कार्य अवधि 2 साल तो बीत चुके हैं, फिर पता चलेगा कि ये भी 2 साल, 2.5 साल बीत चुका, 6 महीना और उसको चालू करते करते लग जाएगा, बचेगा 3 साल हो गया, बचेगा 2 साल, 2 साल में क्या होगा, कुछ नहीं, फिर वैसा ही का वैसा ही रह जाएगा। विकास के मामला में यहाँ का नहीं कोई विधायक या कोई सा भी इसमें इतना ध्यान ही नहीं देता है जो चाहिए था करने का, खोजना आगे विधायक है उसको खोजना चाहिए कि हाँ हमारे क्षेत्र में क्या, अगर नहीं बनाता है तो उसका फिर विश्वास कौन विश्वास करेगा, मतलब परिवर्तन मतलब नहीं हो तो फिर कोई आगे नहीं, आगे बढ़वे नहीं करेगा, जब 1-5 साल में आप नहीं कर पाए हैं उसके आगे अब क्या करिएगा, कुछ नहीं, पब्लिक का तो भरोसा खत्म हो जाता है उसके ऊपर से। मतलब जैसा कि आपको हम बता रहे थे, हम लोग भुसाही चौक पे मौजूद हैं, और भुसाही मतलब यहाँ पे शायद ग्रामीण एरिया भी है, मतलब रूरल एरिया में सब है ना, ग्रामीण क्षेत्र, वहीं का एक चौक है, यहाँ पे समस्या बहुत ही गंभीर है, विधानसभा चुनाव सर पे है और जो भी कुछ विकास है यहाँ पे नहीं है, लोगों का ये है कि परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।